जापान से आई कलाकार ने यहाँ पर आर्ट परफॉर्मेंस किया है, और आर्ट परफॉर्मेंस के माध्यम से जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि प्रकृति और धार्मिक मान्यताओं तो से कहीं ना कहीं पर्यावरण जुड़ा है। जैसा कि इस सीता माता अभ्यारण्य का हम देखते हैं तो मोस्टली इसमें जो दिखता है हमें कि सीता माता नाम से ही ज़्यादा वन का यहाँ पर प्रयोग होता है, और लोगों का यहाँ रुझान है कि एक मंदिर है और यहाँ पर कुछ जो पेड़ संपदा बची है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन है। मेरा नाम शिवीन शेख है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ पे आई हूँ, और मैं यहाँ पे एक वॉल पेंट कर रही हूँ। जब कैनवस पेंट किया तब मैंने कैनवस पे कमल पेंट किया, उसके बाद मैंने जो वॉल म्यूरल पेंट किया है वो दमदमा गेट पे है जो एंट्रेंस है सेंचुरी का। तो मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं वो कैरिकल वॉल पे पेंट करके जो भी वहाँ पे एंट्रेंस पे टिकट निकालता है या वहीं से एंटर करता है, और तब उसे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे नहीं है। उसका रीज़न हम हैं, हमारा इग्नोरेंस है कि हमने उसको कंजर्व प्रिजर्व नहीं किया है। तो जो भी एंटर करेगा सेंचुरी में उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील होना चाहिए कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन होता है वो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे जब भी जाऊँ क्लीनलीनेस रहे या फिर एनिमल्स को सारे रूल्स फॉलो किए जाएँ। तो उस हिसाब से अगर हम फॉलो करें तो जो भी हमारे पास बचे कुछ एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन होगा, प्लस अगर हम यही कंजर्वेशन करें तो ये एनिमल कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं है, बस उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो वापस भी आ सकते हैं। तो ये मैसेज देना है हर किसी को, इसलिए मैंने जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसे पेंट करा है। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि अलग अलग तरह के आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं और इतनी खूबसूरत जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, जो सबसे अच्छी बात है। हम पंछियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, तो बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत सुहाना मौसम है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से इतने अमेजिंग आर्टिस्ट की कंपनी है तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। तो स्पेशली है, और हमारे साथ में विजय कुमार जी है जो हम तंबोर वाइल्ड लाइफ से संबंध रखते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ पर कभी बड़ी सेंचुरी हो जैसे रणथंभौर सरिस्का, इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम है, तो यही सिस्टम हमारा सीता माता सेंचुरी के अंदर हो, तो इनका भी अच्छा कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। हमारे जो मेंबर है वो उन्होंने यहाँ से थोड़ा दूर है दमदमा गेट, इन लोगों ने दमदमा गेट पर आकर्षक चित्रकारी की है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कला और पर्यटन का आपस में जुड़ा हो और पर्यटन की महत्ता इस भूमि पर ज़्यादा बढ़े ताकि लोगों को रोजगार के अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हो, और विश्व के मानचित्र पर चित्तौड़गढ़ का जो ट्राइंगल पर्यटन का जो शेप हम तैयार कर रहे हैं उसको हम प्रभावी ढंग से ला पाए। इधर का जो राजस्थान का बेसिक ट्रेडिशनल मिनिएचर जो वॉल पेंटिंग और ट्रेडिशनल जो बात है ये भी मेरे को इधर आके देखने मिल रहा है कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी है, कुछ स्कल्प्टर भी है, कोई ग्राफिटी का भी है। तो ये पूरा एक एक जगह से चुन चुन के जो आर्टिस्ट लोग आके एक कम्युनिटी मिल रहा है, और उधर से मैं भी बहुत सारा कुछ सीख रही हूँ। मेरे को बहुत मतलब मेरे हिसाब से मैं बहुत और कुछ सीखती हूँ। मतलब जैसे अभी मेरे इधर का टाइगर का जो लाइफ हिस्ट्री कैसे होता है राजस्थान, मतलब टाइगर की भी एक हिस्ट्री होता है, एक स्टोरी होता है, मैं अभी सुन के आई हूँ उधर। मतलब ये भी मेरे को बहुत मन में इंस्पिरेशन दे रहा है काम करने के लिए। तो फिलहाल मैं इधर एनवायरमेंटल को लेके और वन
एमेंटल और हमारे उधर का जो कंक्रीट है, ये दोनों को घर से लेके मैं इधर काम कर रही हूँ। जैसे मैं जहाँ से हूँ शांति निकेतन, शांति निकेतन का नेचर और इधर का नेचर में जो फर्क है और जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी से है, तो उसको लेके हम काम कर रहे हैं। मेरे को मैं ऑलरेडी 2 दिन बाद पहुँची, लेकिन आके मेरे को टाइम लगा, तो मेरे को मेरा जो काम है वो थोड़ा इंस्टॉलेशन बेसिक का काम होगा। मैं हनु रशीद हूँ, मैं तो बांग्लादेश आया। एक आर्टिस्ट तरफ से यंग आर्टिस्ट प्रमोट होता है, एक्सपेरिमेंट का स्पेस मिलता है, वो वर्क कर सकते हैं, वर्क विद नेचर इन दिस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर मटेरियल्स, हाउंड मटेरियल्स, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस यहाँ पर है, सो दे कैन आइसोलेटेड by himself and he can explore his talent and he can use the local materials, found materials with this space, with this environment, with this animals, a lot of things there. So it's a big opportunity for an artist. And the other sector is the local awareness or the communicating with people. ये आर्टिस्ट जो काम कर रहा है वो पब्लिक कैसे वो एक्सेप्ट करता है, ये भी एक चैलेंज है। Okay. And contemporary art is very interesting media to communicate with others. Okay. For maybe social issues, environmental issues, and many things to explore. Actually, this is very interesting. And thanks for this Mukesh or this Chitragarh Society or Forest Development to arrange this type of amazing art. Okay. Thank you. अब चित्तौड़गढ़ में आके मैंने ये मोज़ेक किया। इसमें मैंने शाम का सीन दिखाया जिसमें हिरन और पहाड़ वगैरह ये सब दिखाया, पंछी दिखाया, और इधर जो है वो मैंने रात का सीन दिखाया। इधर आके मुझे अच्छा लगा काफ़ी काम करना। इसके पहले मैं बसी में गई थी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वाइल्ड लाइफ में। बांस के इको हाउस बनवाए हैं। इको हाउस बनवाने के पीछे हमारा ये मकसद था कि सीता माता उपवन जो विभाग है यहाँ इनके पास में प्रचुर मात्रा में बांस है, तो इन बांस का उपयोग आदिवासी लोग अपने कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हैं, जिनको यहाँ पर रोज़गार मिले और वन विभाग की तरफ ये काम करें, ताकि इनसे ये बांस का उपयोग भी हो, इको हाउस और पर्यावरणीय हाउस की यहाँ पर एक नया डेकोरेटिव हम कर पाएँ। तो कुल मिला के जितने भी यहाँ पर काम हुए हैं, स्पेशली कैनवास पे, न्यू मीडिया आर्ट को लेकर,